हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे आई एम राइडिंग आफ्टर लाइक अराउंड 15 टू 20 डेज। सो ये मेरी 2023 की पहली राइड होने वाली है और दैट टू ऑन दिस जायंट मॉन्स्टर। सो अगर आप लोग पहले से चैनल को देख रहे हैं या आपने मेरी पहले वीडियोस देखी होंगी तो आप लोग को पता है कि ये बाइक किसकी है। ये है हमारे सतनाम पाजी की बाइक। इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे जिसकी वजह से सतनाम पाजी ने मेरे को बोला कि मैं बाइक लेके जाऊं और एक बार शोरूम पे चेक करवा लेता हूं बिफोर आर बिग राइड दैट वी हैव बीन प्लानिंग। सो आगे और भी बड़ी राइड्स आने वाली हैं, वी वर जस्ट प्लानिंग। सो अभी वो पूरा प्लान सेट हो गया है तो वी विल बी राइडिंग आउट सून। सो अभी बस मैं वही अहमदाबाद जा रहा हूँ बाइक लेके और इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग माई फर्स्ट राइड इम्प्रेशंस ऑफ दिस बाइक, बिकॉज ये पहली बार है जब मैं ये बाइक चला रहा हूँ एंड दिस बाइक इज़ अ रियल जायंट। सो दिस इज़ अ वेरी स्पेशल बाइक। दिस इज़ अ लिमिटेड एडिशन रॉकेट एक्स। ग्लोबली ये सिर्फ 500 यूनिट बने थे जिसमें से एक हमारे पाजी का है एंड आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू ट्राई एंड राइड दिस बाइक। आई एम नॉट श्योर इफ यू गाइज आर एबल टू लिसन दिस बाइक रोर। दिस बाइक इज रोरिंग लाइक एनीथिंग। इट्स वे 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 लाउड। इस बाइक की रोड प्रेजेंस बहुत ही ज़बरदस्त है। लोग बिना मुड़े या बिना देखे रह ही नहीं सकते। दे डेफिनेटली नीड अ सेकेंड ग्लांस दैट वट एग्जैक्टली हैज़ बीन क्रॉसिंग देम। एंड आई एम गोना एन्जॉय दिस राइड। दिस इज वेरी कम्फर्टेबल बाइक इन टर्म्स ऑफ लाइक सिटिंग पोजिशन एंड एवरीथिंग। आपको इसके राइड इम्प्रेशंस में दूंगा आगे जाके। अभी तो हाईवे ही है तो तब तक आप सिनेमैटिक्स एंजॉय कीजिए। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। इनिशियल थॉट अबाउट द बाइक, जितना इंटिमिडेटिंग इसका साइज है बाइक उतनी आसान है और लाइट है व्हाइल यू राइड इट। सो बाइक का टॉर्क बहुत अच्छा है। बीइंग अ 23cc इंजन, इट्स माय फर्स्ट टाइम दैट आई एम राइडिंग दिस बाइक, दिस बिग बाइक, दैट टू ऑन हाईवेज। आई एम एबल टू क्रूज। आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू लाइक ट्राई इट आउट फॉर दिस लॉन्ग। बहुत मज़ा आ रहा है एंड लाइक क्रूजिंग ऑन दिस बाइक इज वे वे ईजी। इट्स नथिंग लाइक दैट, यू जस्ट हैव टू होल्ड द स्पीड एंड देन द बाइक ग्लाइड्स थ्रू। और पाजी ने तो कस्टमाइजेशन भी बहुत ज़्यादा करवा रखे हैं। पाजी ने पूरा सोफा बनाया हुआ है बाइक को। पीछे बैक रेस्ट है, राइडर का बैक रेस्ट है, पिलियन का बैक रेस्ट है। सो उस मामले में पाजी ने बाइक बहुत अच्छे से कस्टमाइज करी है। सो अभी मैं 90 100 ही चल रहा हूँ। मैं ज़्यादा स्पीड नहीं चला रहा हूँ जस्ट बिकॉज दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट राइड एंड आई एम एंड
ऊपर से पाजी की बाइक है। किसी और की बाइक हो तो आपको बहुत ध्यान से चलानी पड़ती है, जस्ट बिकॉज यू डोंट वॉन्ट एनी डैमेज ऑन द बाइक जस्ट बिकॉज ऑफ यू। सो मैं प्यार से चला रहा हूँ बाइक, मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहा, एंड आई एम जस्ट विजिलेंट टूवर्ड्स द अदर कार ड्राइवर्स ऑन द हाईवे, जस्ट बिकॉज लोगों का क्या होता है, लोग बाइक एडमायर करते करते बाइक की तरफ ही आने लगते हैं, एंड लाइक दे पुट बाइकर इन द रेस्ट। सो वो थोड़ा ध्यान से चला रहा हूँ मैं। सो फार सो गुड, आई कैच अप विद यू गाइस इन अ बिट। इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट मुझे बहुत पसंद आया, जस्ट बिकॉज इट साउंड्स लाइक अ हेलीकॉप्टर, एंड इस बाइक का टॉर्क इतना अच्छा है, नो मैटर वॉट गेयर यू आर इन, एंड द मोमेंट यू ट्विस्ट द थ्रॉटल इट पुल्स, सो यू डोंट हैव टू वर्क दैट मच विद द गेयर बॉक्स फॉर कीपिंग द बाइक इन द राइट गेयर, द टॉर्क डज द वर्क फॉर यू, सो यू जस्ट कैन ग्लाइड at a particular speed without much work or without putting much work into it. तो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं टोल प्लाजा, और द ओनली थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर वाइल राइडिंग दिस बाइक इज स्पीड ब्रेकर्स, बिकॉज इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। बाकी बाइक अभी तक बहुत ज़ोरदार परफॉर्म कर रही है, आई एम इन लव विद दिस बाइक। अब तो मेरा मन कर रहा है कि एक क्रूज़र ले ही ली जाए, बट देखते हैं, बट आई एम लविंग दिस बाइक अ लॉट। द वे दिस बाइक इज़ हैंडलिंग, और पीछे का टायर 240 सेक्शन है, इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी टू दिस बाइक। और इस बाइक का साइज़, दो इस बाइक का साइज़ बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग है, बट हैंडलिंग में ये बाइक उतनी ही प्यारी है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स, बाइक का वेट, आपको कुछ पता नहीं चलने वाला है। बाइक आई एम नॉट श्योर इसका वेट कितना है, इट शुड बी 250 प्लस ओनली, बट बाइक इतनी प्यारी चलती है, वो 250 kg प्लस आपको कभी पता नहीं चलेगा व्हाइल यू आर राइडिंग दिस बाइक। हाँ, जब हम खड़े हैं व्हेन वी आर एडमायरिंग दिस बाइक, ऐसा लगता जरूर है कि ये बाइक चलाने में बहुत मुश्किल होगी, बहुत बड़ी है, बहुत हैवी है, बट द मोमेंट यू स्विंग योर लेग ऑन दिस बाइक, इट्स बटरी स्मूथ। आई एम लविंग द राइड एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, बहुत जोरदार राइड एक्सपीरियंस हो रहा है। इन टर्म्स ऑफ बाइक्स परफॉर्मेंस, बाइक बहुत रॉ है, एज यू कैन सी कोई ज़्यादा बटन नहीं है, कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा रॉ है। इट जस्ट दैट इट हैज़ ABS, बाकी आई डोंट थिंक सो कि इसमें ज़्यादा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स है, बट बाइक की रोड प्रेजेंस बहुत ज़ोरदार है। एंड द ओनली टू ड्रॉबैक्स दैट आई सी इन दिस बाइक इज, एक तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस, और दूसरा है कि इफ़ यू आर नॉट दैट अवेयर ऑन द रोड एंड कोई बम्प आ जाता है अगर, तो वो डायरेक्ट आपकी बैक पे जाने वाला है। सो वो एक थोड़ी सी छोटी सी प्रॉब्लम है, यू जस्ट हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट ऑन द रोड, लाइक आप कहाँ जा रहे हो, बाइक कहाँ जा रही है, कोई खड्डा तो नहीं है, जस्ट बिकॉज एवरी सिंगल बम्प यू विल फील ऑन दिस बाइक। सो दैट्स द ओनली ड्रॉबैक आई इन माई व्यू, आई एम नॉट श्योर बिकॉज क्रूजर गाइस मे डिफर फ्रॉम इट, बट मेरे लिए तो यही एक ड्रॉबैक लगा मेरे को, बाकी तो बाइक ऑसम है। तो एक बार सिटी में पहुँचते हैं या शोरूम पहुँचते हैं, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। तब तक के लिए बाय। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अहमदाबाद, आई एम जस्ट एंटरिंग अहमदाबाद सिटी, और यहाँ से असली चैलेंज चालू होता है। अभी तक तो पूरी राइड बहुत बटरी स्मूथ रही है, अब यहाँ पे सिटी मैन्यूवरिंग इज़ द रियल चैलेंज फॉर मी, जस्ट बिकॉज इतनी बड़ी बाइक पहली बार सिटी ट्रैफिक। सो लेट्स सी। वैसे तो बाइक बहुत ज़ोरदार है,
बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मज़ा आ रहा है चलाने में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस बाइक का इतना लो है जिसकी वजह से इसका हैंडलिंग बहुत अच्छी हो जाती है। प्लस 240 सेक्शन टायर है, तो दैट इज़ अगेन अ प्लस पॉइंट फॉर हैंडलिंग। ओके, थोड़ा सा एक्सीलेटर देने पे भी बाइक खतरनाक भाग रही है, तो आई जस्ट नीड टू कंट्रोल द एक्सीलरेटर नाउ। और दूसरी चीज़ जो ध्यान में रखने वाली है इस बाइक के साथ, दैट इज़ ग्राउंड क्लियरेंस। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ पूरी वीडियो में आई गेस, बट दैट इज़ समथिंग इन बैक ऑफ माई माइंड कि बाइक कहीं नीचे लगनी नहीं चाहिए, नहीं तो सतनाम पाजी मेरे को मार डालेंगे। एंड दूसरी चीज़ जो लोग आगे पीछे जो ट्रिगर हो जाते हैं ना बाइक के देख के, उनसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। तो चलिए भाई, अभी तो नॉर्मल वही ट्रैफिक, अहमदाबाद का टिपिकल ट्रैफिक, सो एक बार ये क्रॉस करके फिर आप लोगों से मिलता हूँ शोरूम के आसपास। सो गाइज, वी आर ऑलमोस्ट एट द शोरूम। ओहो, यहाँ पे तो काम चल रहा है। ओके, लेट्स सी। तो पाजी की बाइक तो मैं रैंप पे नहीं चढ़ा पाऊँगा, तो व्हाट आई एम गोना डू इज़ मैं नीचे रख दूँगा और शोरूम वाले भी लोगों को बोलूँगा कि भाई तुम चढ़ा लो ऊपर, मेरे से तो नहीं चढ़ने वाली है बाइक ऊपर। एंड आई डोंट वॉन्ट टू रिस्क इट बिकॉज लो ग्राउंड क्लियरेंस, वहाँ पे टकराने का डर रहता है रैंप पे, एंड द शोरूम पीपल आर यूज टू इट, सो दे विल डू इट देमसेल्फ्स। सो आई वोंट बी टेक डूइंग एनीथिंग लाइक दैट, एनी स्टूपिड स्टफ। एंड ये हेलीकॉप्टर का इंजन, मज़ा आ गया मेरे को चला के बाइक पूरे रास्ते। आई हैव एन्जॉयड माई राइड टिल अहमदाबाद। और यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही काम चल रहा है, और आई गेस डुकाटी का शोरूम भी चालू हो गया है गाइस, सो लेट्स सी, विल सी इफ इट्स पॉसिबल फॉर अस टू। I'll park the bike here itself. I'm not going to take it beyond this point. So guys, service ho chuki hai paaji ki bike ki, and it took around lag gaya 4-5 ghante, but service ho gayi hai. Unka front suspension mein oil seal ki problem thi, oil leakage tha, to wo kaam tha, wo ho gaya. Okay, ab तो अब आई एम जस्ट हेडिंग बैक टू वडोदरा, एंड अभी थोड़ा ट्रैफिक मिल सकता है अपने को, लेट्स सी। और अब तो थोड़ी आदत हो गई मेरे को इनकी बाइक की, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने सिनेमैटिक्स एंजॉय किए होंगे। अभी हम लोग की आगे की एक और राइड प्लान हो रही है, तो वी आर वर्किंग ऑन टू दैट, एक वो राइड भी जल्दी चालू करेंगे हम। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड ऑन टू द चैनल, देयर्स मोर अपकमिंग राइड्स प्लान्ड। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ हिट सब्सक्राइब बटन, एंड आप मेरा चैनल दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो सेम कंटेंट में, या जिनको सेम सिमिलर वीडियोस पसंद हो, जो आपका इंटरेस्ट शेयर करते हैं, आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, एंड टिल नेक्स्ट टाइम, राइड सेफ गाइस।